तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप YouTube शॉर्ट्स से किस्सा से मतलब के पैसे कमा सकते हैं, बट ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया था कि किस तरह से आप वीडियोस बनाएंगे, किस तरह से वीडियोस उठाएंगे और अपनी चैनल पे लगाएंगे। तो ये सब कुछ आज इस वीडियो में डिटेल आपको बताऊंगा मैं कि किस तरह से आप अपनी वीडियोस बनाएंगे। अपनी वीडियोस बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर अपनी वीडियोस आपकी नहीं है तो फिर आपने कहाँ से उठानी है, उनको मर्ज करना है, मर्ज करने के बाद आपने कैसे लगानी है। तो आज इस इंटरेस्टिंग वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपकी पेमेंट का सवाल है, मतलब पेमेंट बोल रहा हूँ अर्निंग का सवाल है कि आप $100 से $10,000 तक एक वीडियो से कमा सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डू चलते हैं मैं अपने लैपटॉप की तरफ। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि अगर आपका अपना कंटेंट नहीं है तो ये जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें थोड़ा रिस्क ही रहेगा, क्योंकि आपको बहुत से यूट्यूबर्स इस तरह बताते हैं कि आप यहाँ से वीडियो उठाएं, इस तरह से एडिट करें और यूट्यूब पर लगा दें और आपको बहुत पैसे मिलेंगे। तो मैं आपको कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ जो कि सब लोग नहीं बताते, जो कि यूट्यूबर्स आपको नहीं बताते। वो आपको ये नहीं बताते कि अगर आपका अपना कंटेंट नहीं होगा तो YouTube आपको पैसे नहीं देगा। बेशक आप क्रिएटिव कॉमर्स से उठाएं, बेशक आप किसी भी प्लेटफॉर्म से उठाएं, अगर वो पता चल गया YouTube को कि आपका अपना कंटेंट नहीं है तो आपको पेमेंट नहीं दी जाएगी। तो मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपका माइंडसेट रहे कि भाई अपना कंटेंट आपका रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। YouTube ने शॉर्ट्स जब रिलीज़ किए, मतलब शॉर्ट्स की जो अपडेट आई उसके साथ अपने कुछ एल्गोरिथम जो अपनी अपडेट्स हैं, मतलब कि अपनी कॉपीराइट इश्यूज़ वगैरह जो उनकी सिस्टम है, मतलब तो सब उन्होंने कि आपकी अपनी वीडियो नहीं चाहिए। अगर आप किसी की वीडियो उठाएंगे तो आपकी वीडियो पे जो व्यूज वगैरह आएंगे तब आपको पेमेंट नहीं दी जाएगी। तो ये चीजें जो है मेंशन हुई है उस पर, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि माइंड में रखिएगा कि ये जो तरीका ये सेकंड वे है। फर्स्ट वे आपकी अपनी वीडियो है, आप किसी का म्यूज़िक यूज़ ना कीजिएगा, चाहे यूट्यूब पे भी आपको म्यूज़िक मिल रहा हो आप वहाँ पर म्यूज़िक ना यूज़ कीजिएगा। आप अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाएंगे, अगर वो वीडियो चल गई तो आपको वहाँ पर ओरिजिनल कंटेंट पे बहुत अच्छा रेवेन्यू जो होगा वो आपको मिलेगा। तो चलते हैं अपने दूसरे तरीके की तरफ के हमारा दूसरा तरीका क्या है और किस तरह से हम अपने दूसरे तरीके को यूटिलाइज करते हुए एक रिस्क लेते हुए वीडियोस बनाएंगे और अगर चल गई तो हमें ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा एक रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती हैं। तो सबसे पहले आपने YouTube पर आना है और YouTube पे आने के बाद आपने यहाँ पर टाइप करना है फनी डॉग्स। अब जैसे ही आप फनी डॉग्स स्पेस देंगे यहाँ पर, मतलब फनी डॉग्स टाइप करके स्पेस देंगे तो आपके पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वीडियोस मतलब के टैग्स आ रहे हैं। आप यहाँ पर कोई भी चूज़ कर सकते हैं और यही टैग्स आपने उठा के अपने वीडियो के टैग्स में ही देने हैं। तो यहाँ पर मैं जस्ट फनी डॉग्स वीडियोस को यहाँ पर क्लिक आउट करूँगा एंड हमारे पास यहाँ पर वीडियोस जो होंगी वो आ जाएंगी। तो इससे पहले मैं दो बार वीडियो शूट कर चुका हूँ, एक बार रिकॉर्डर ऑन करना भूल गया था और दूसरी बार वीडियो रिकॉर्ड हुई बट वो एरर दे गई। तो ये तीसरी बार मैं वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो फेस कैम वाला था वो पार्ट यहाँ पर कट आउट हो गया और सिंपली आप यहाँ पर आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पर आपने दूसरा काम क्या करना है, तो दूसरा काम आपने यहाँ पर फिल्टर्स में जाना है। तो यहाँ पर आपके पास काफी ज्यादा फिल्टर्स गिवन दिए गए हैं, तो आपने यहाँ पर सिंपली क्रिएटिव कॉमन्स चूज कर लेना है। तो आप जैसे ही क्रिएटिव कॉमन्स चूज करेंगे तो यहाँ पर आपके पास वो वीडियोज आएंगी जो कि आप अपने चैनल पे ईजीली वीडियोस लगा सकते हैं, मतलब कि आप अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर सकते हैं किसी भी यूट्यूब की चैनल पे, बेशक लगे आप वहाँ से भी उठा के अपने चैनल पे लगा सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स कि आप अपने चैनल पे किसी भी यूट्यूबर का कंटेंट लगा सकते हैं, बस उसे थोड़ा सा एडिट करके लगाना। तो आपको बताता चलूँ कि आपकी जो वीडियो होनी चाहिए वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, बिल्कुल साफ होनी चाहिए। साफ और सिंपल किस्सा होना चाहिए, मतलब कि आपकी वीडियो पे स्टैक वीडियो लाइक की टिकटॉक या थर्ड पार्टी किसी का भी लोगो नहीं होना चाहिए, तब वो वीडियो आपकी आगे जा सकेंगे मोनेटाइज, मतलब कि आपको उस वीडियो पे रेवेन्यू मिल सकता है। आपने जैसे यहाँ पर फनी डॉग टाइप किया और साथ में आपने यहाँ पर शॉर्ट्स भी लिख देना है, तो आप जैसे ही शॉर्ट्स लिखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह के वीडियोस आ जाएंगे, मतलब इस तरह आपके पास इंटरफेस आ जाएगा और आपके पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आपके पास गिवन दी जाती हैं, लाइक 17 सेकेंड, 14 सेकेंड, 15, 29 सेकेंड, 11 सेकेंड, जैसा कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आपको गिवन दी जाती हैं। तो आप यहाँ पर सिंपली इसको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे
एंड नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद आपने इनको सिंपली डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड कैसे करना है वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। अगर आपके पास वीडियो डाउनलोड मैनेजर है तो आपने सिंपली यहाँ पर वीडियो डाउनलोड मैनेजर में जाके इसको डाउनलोड कर लेना है, और अगर आपके पास वीडियो डाउनलोड मैनेजर नहीं है तो आपने सिंपली यहाँ पर जाना है, वीडियो का लिंक कॉपी करना है। लिंक कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर वाई टू मेट टाइप करना है, या फिर वीडियो यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर जो भी आप यहाँ पर आपको बेस्ट लगे वो आपने यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर वीडियो डाउनलोड करनी है। आपने जैसे ही यहाँ पर लिंक डाला आपके पास यहाँ पर वीडियो आ गई एंड आपने यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर लिया। अब डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर कैनवा ओपन करना है, और कैनवा के ऊपर भी नेक्स्ट में एक पूरी सीरीज लाने वाला हूँ और किस तरह से आप इस कैनवा को यूज करके काफी अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो किस तरह से होगी वो नेक्स्ट वीडियोज में आपके पास वीडियोज मिलेंगी आपको, मतलब कि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज में आपको बताऊंगा। तो आपने सिंपली यहाँ पर मोबाइल वीडियोज में जाना है, एंड मोबाइल वीडियोज़ में आप जैसे ही आएंगे आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह का ये कुछ प्लेटफॉर्म आएगा। मतलब ये पहले से मैं दो बार मेरी रिकॉर्डिंग फेल हुई है जिसकी वजह से ये चीज़ें आपको यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिल रही हैं। तो आपने यहाँ पर जैसे ही आना है आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जो कि बिल्कुल खाली होगा, एंड आपने यहाँ पर अपलोड में जाना है। अब अपलोड मीडिया जो आपने डाउनलोड किया होगा आपने यहाँ पर सिंपली अपलोड करना है अपलोड मीडिया में जाके, और आपके पास वीडियोस कुछ इस तरह की आ जाएंगी, मतलब यहाँ पर आपके पास वीडियोस शो आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जस्ट यहाँ पर ओपन ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपनी इस लोकेशन पे। आप ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे करेंगे तो आपने यहाँ पर इसको फिट करना है जो आपकी स्क्रीन यहाँ पर गिवन दी गई है, तो आपके पास यहाँ पर ये फिट हो गया। अब आपने यहाँ पर नीचे जाना है एंड प्लस के साइन पे क्लिक करना है, तो प्लस पे साइन पे क्लिक करने के बाद आपने दूसरी वीडियोस के साथ भी बिल्कुल सेम वही करना है। तो आपने इसको पूरी तरह इस जगह पर सिलेक्ट कर लेना है। तो एक और काम आपने यहाँ पर ये करना है कि आपने यहाँ पर कोई भी अच्छा सा टेक्स्ट चूज करके यहाँ पर डाल देना है, तो सिंपल हो बिल्कुल, या जो भी आपको अच्छा लगे आपने यहाँ पर वो टेक्स्ट डाल देना है। जस्ट आपने इस टेक्स्ट को यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है डॉग्स वीडियोस। अब ये बहुत बड़ा आ रहा है तो आपने घबराना नहीं है, आपने सिंपली यहाँ पर इसको छोटा कर लेना है। तो छोटा करने के बाद आपने यहाँ पर इसको बढ़ा भी लेना है ताकि दोनों साइड से इसकी जो जगह है वो बराबर रहे। तो ये हमारी जो इस टेक्स्ट है इसको ज़रा एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा टेक्स्ट हो गया एडजस्ट। तो अगर आपने अपने मतलब कि यहाँ पर मैं फर्स्ट पे डालना चाह रहा था बट यहाँ पर सेकंड पर आ गया, तो आपने सिंपली अपने फर्स्ट पे अगर फर्स्ट मतलब के पार्ट पे डालना है तो तब भी आप डाल सकते हैं, अगर आपने होल वीडियो पे डालना है मतलब पूरी वीडियो पे डालना है तो तब भी आप डाल सकते हैं। तो अगर आपने न्यू एक वीडियो यहाँ पर मतलब के ऐड करनी है तो आप सिंपली यहाँ पर प्लस के साइन पे जाएंगे और यहाँ पर अपनी वीडियो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। ऊपर आपको यहाँ पर गिवन दिया गया कि कितने सेकंड्स का है, तो 46 सेकंड्स का है। तो यहाँ पर आपने सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है एंड सिंपली यहाँ पर डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के बाद आपके पास जो वीडियो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो फिर आपने डायरेक्टली अपने यूट्यूब चैनल पर जाना है, और यूट्यूब चैनल पर जाने के बाद आपने अपलोड वीडियो पे चले जाना है। तो अपलोड वीडियो पे जाके आपने अपनी वीडियो जो ये क्रिएट की है जो कि कैनवा से क्रिएट की है, तो आपने सिंपली इसको यहाँ पर अपलोड कर लेना है। आपके पास जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो आपने यहाँ पर सिंपली टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर डालनी होगी। तो आपने टाइटल कहाँ से चूज करना है, तो सिंपली आपने यहाँ पर जाना है, यहाँ पर इसको कॉपी करना है, मतलब पूरा का पूरा टाइटल ही हम लोग इसका कॉपी कर लेते हैं। तो इसको कॉपी करना है एंड यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। तो मेरा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन जो है ऑलरेडी यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा दो बार जो वीडियो है वीडियो की जो रिकॉर्डिंग है वो नहीं हुई, तो इस वजह से ऑलरेडी यहाँ पर मेरी जो डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल जो है वो ऑलरेडी गिवन दिया गया है। तो आपने सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपने यूट्यूब से ही कॉपी करना है। आप एक टाइटल आपने यहाँ से लिया जो कि मैंने यहाँ से एक टाइटल उठाया एंड सेकेंड यहाँ से उठाया था, इन दोनों को मर्ज किया, मर्ज करने के बाद आगे पीछे करके थोड़ा सा इन्हें एडजस्ट कर लिया। अब डिस्क्रिप्शन बी सेम मैंने यहाँ से ऐसे ही किया कि दोनों दो तीन वीडियोस की डिस्क्रिप्शन उठाकर यहाँ पर ऊपर नीचे करके इसको एडजस्ट करके यहाँ पर जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिए। तो आप भी यहाँ पर सिंपली यहाँ से ऐसे ही कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास थंबनेल अगर अपलोड आपने करना है, आपके पास कस्टम थंबनेल है, तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं।
उसके बाद आपने यहाँ पर प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट अगर आपने बनानी है, अगर डॉग्स की वीडियो तो आपने यहाँ पर डॉग्स की प्लेलिस्ट बना लेनी है, कैट्स की है तो कैट्स की, कोई और है तो आपने यहाँ पर कोई और प्लेलिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पर टैग्स में आ जाना है, एंड टैग्स अब आपने कहाँ से फाइंड करने है, यूट्यूब टैग जनरेटर आप गूगल पे टाइप करेंगे, आपके पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स आ जाएंगी, तो आपने सिंपली ओपन कर लेनी कोई भी वेबसाइट, एंड कीवर्ड टूल्स आ जाएगी आपके पास यहाँ पर, आपने फनी डॉग्स वीडियोस अपलोड करनी है, मतलब के लिखना है, टाइप करना है, तो आपके पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टैग्स आ जाएंगे। तो आपने यहाँ पर सिंपली इसको यहाँ से ऐसे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने एक्सपोर्ट पर जाना है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके वापस अपनी वीडियोज़ पर आके एंड कंट्रोल वी कर देना है। आप कंट्रोल वी जैसे करेंगे आपके पास यहाँ पर टैग जो है वो सिंपली यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं, तो 500 टैग्स की लिमिट होती है, उससे ज़्यादा आपने यहाँ पर नहीं अपलोड कर सकते। तो अब आपने नेक्स्ट करके यहाँ पर सिंपली इस वीडियो को अपलोड कर लेना है। होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी, अगर समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स से मुझसे पूछ सकते हो और इंस्टा पे डायरेक्ट DM भी कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको डायरेक्टली रिप्लाई करूँगा। इसके बाद भी काफ़ी अच्छी वीडियोज आने वाली है कि आप कैनवा से किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, तो कैनवा कोड डिस्क्राइब करूंगा मैं कि आप कैनवा से बगैर किसी मेहनत के, मतलब कॉपी पेस्ट काम करके, जस्ट थोड़ी बहुत एडिटिंग करके आप किस तरह से अपना जो सर्विसेज हैं वो सेल आउट करके पैसे कमा सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपने वीडियो लाइक भी कर लिया होगी, चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज के लिए जस्ट यही था, तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।